Subscribe to Divine Bansuri YouTube channel and press the bell icon to get notifications about our latest uploads. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन बांसुरी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चिरंजीव और आज हम सीखने वाले हैं कि बांसुरी को होल्ड कैसे किया जाए और उसमें वो फिंगर्स हमारा प्लेसमेंट कैसे रखा जाए जो कि करेक्टली हो और वो उससे फास्ट प्लेइंग में भी इजी हो। कोमल स्वर, गमक, वो सब एडवांस टेक्निक्स जो होते हैं वो इजीली आप प्ले कर पाएँ, और वो जो रिकमेंडेड टेक्निक है वो क्या है और वो कैसे उसको बजाया जाए। तो चलिए शुरू करते। इसके लिए मैंने एक सी स्केल का फ्लूट लिया है। तो सी स्केल बेसिकली बिगिनर फ्लूट होता है। तो जी स्केल भी फ्लूट होते हैं, ई स्केल बड़ी वाली जो ई कंसर्ट साइज वाली बेस फ्लूट्स होती हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, मैं आज जो बताने वाला हूँ ऑलमोस्ट सिमिलर है वो। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, आपका जो प्लेसिंग ऑफ फिंगर्स वो स्ट्रांग हो जाए, तो आप बड़ी वाली फ्लूट्स भी पकड़ सकते हैं। तो उसके लिए अभी टाइम है, लेकिन अभी मैं, अगर आप बिगिनर हैं तो सी स्केल में जनरली बिगिनर स्टार्ट करते हैं, तो मैं सी स्केल में ही आप बताऊंगा कि कैसे उसको स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ्लूट में, बांसुरी में ग्रिपिंग और होल्डिंग और फिंगर्स का प्लेसमेंट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपका पहले से स्ट्रांग नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी आगे। एडवांस कॉन्सेप्ट्स, एडवांस प्लेइंग जब टेक्निक्स जब आपको करना पड़ेगा तो वो सब प्रॉब्लम्स होगा। तो पहले से ही आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो स्ट्रांग नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर आप पहले से रॉन्ग वे में आप फ्लूट पकड़ रहे हैं या पहले से वैसे ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एडवांस प्लेइंग में वो बहुत दिक्कत आने वाला है, बहुत प्रॉब्लम्स आएगा और उसको फिर छोड़ने में आपको 1-1.5 साल लग जाएगा। मतलब आप पहले तो गलत वे में पकड़ना प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसको छोड़ेंगे, छोड़ने के लिए फिर करेक्ट वे में प्रैक्टिस करना, वो एक दैट इज़ अगेन ए बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो पहले से ही आप स्ट्रांग हो जाइए, पहले से ही आप बेस आपका स्ट्रांग कीजिए फ्लूट पकड़ने को, कैसे पकड़ा जाए फ्लूट को, सो दैट आपका आने वाले में मतलब प्रैक्टिस सेशंस में वो बहुत ईजी हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपका ग्रिप, मतलब पहले जो होल्डिंग है, होल्ड कैसे किया जाए। तो ये सी स्केल फ्लूट है तो होल्ड पहले, मतलब बांसुरी शेक नहीं होना चाहिए जब आप पकड़ रहे हैं बांसुरी को, तो पूरा फिक्स फॉर्म होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे पूरा लग के रहना चाहिए, यहाँ आपका जो लिप्स है यहाँ पे पूरा लग, पूरा टाइट ले रहना चाहिए, ये पूरा एकदम फट के रहना चाहिए एकदम, मतलब आपके मसल्स में हो गया। ये एक माउथ का पार्ट हो गया। अभी यहाँ पे अभी मैं कुछ पकड़ नहीं रहा हूँ, फिंगर्स को कहीं पे प्लेस नहीं कर रहा हूँ कहीं होल्स में, बट मैं अभी आपको होल्डिंग बता रहा हूँ। तो ये फिंगर, तो ये अभी थंब आ गया, मैं अभी राइट हैंडेड हूँ तो मैं इस तरफ रख के वो बता रहा हूँ। तो ये फिंगर इस फर्स्ट वाले होल से अराउंड सम 1 इंच का डिस्टेंस में रहना चाहिए और ये ऐसे कर्व्ड फैशन में रहना चाहिए, ऐसे, ना कि ऐसे, या इतना दूर भी नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं रहना चाहिए, इतना दूर भी नहीं, ऐसा पूरा लाइक अ बो ऐसे पूरा टर्न होकर रहना चाहिए, ठीक है, ये ठीक है। अब और ये फिंगर, अब ये फिंगर में आएंगे, ये थंब जो है, ये आपका थंब, ये जो फिंगरिंग होल है आप, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अगर पकड़ेंगे, फोर्थ जो होल है इससे अराउंड 1 इंच के डिस्टेंस में इसके नीचे, एग्जैक्टली इसके नीचे रहना चाहिए, मतलब अराउंड समथिंग ऐसा, और वही शेप में जैसा ये वाला शेप है वैसा ये वाला शेप होना चाहिए, ठीक है, समथिंग अराउंड ऐसा। और ये वाला लास्ट वाला जो फिंगर है, जो पिंकी फिंगर है, वहाँ यहाँ पे रेस्ट करना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो मैं देखिए अभी मैं जस्ट होल्ड करके दिखाता हूँ विदाउट मतलब क्लोजिंग ऑफ एनी फिंगर्स। देखिए ये यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है, और ये स्तंभ यहाँ पे, ये पूरा ऐसा कर्व्ड होना चाहिए और ये ऐसा रिलैक्स्ड होके नहीं रहना चाहिए, मतलब इतना दूर में नहीं रखना है फ्लूट को, यहाँ पे पूरा पूरा ऐसे ग्रिप, और ये यहाँ पे ऐसे। अभी देखिए कुछ मैं कुछ नहीं पकड़ा हूँ फिर भी फ्लूट शेक नहीं कर रहा, अगर मैं पिंकी फिंगर को हटा दूँ तो फ्लूट हिलने लगेगा, वो शेक करने लगेगा, गिरने का चांसेस है फ्लूट, तो गिरने का चांसेस को वो अवॉइड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कितना सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है फ्लूट का ग्रिपिंग, कुछ भी सब फिंगर्स ओपन है, यहाँ पे ये थंब है, ये यहाँ पे थंब है और ये पिंकी जो लास्ट वाला फिंगर है ये यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे रहेगा अराउंड। तो ये हो गया फिंगरिंग, मतलब आपका होल्डिंग। तो यहाँ पे एक ग्रिप हो गया, यहाँ पे उसको ग्रिप मिल गया, चार जगह पे उसको ग्रिप मिल रहा है, ये जगह पे और आपका माउथ के प्लेस में जहाँ पे होल्ड कर रहे हैं,
तो ये हो गया आपका होल्डिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ग्रिप मेंटेन होना चाहिए। बिना कोई भी फिंगर पकड़ के आप इसको ऐसे ही पकड़िए जस्ट नॉर्मली, ठीक है, सब फिंगर्स को ओपन रहना चाहिए, ये ऐसे ही पूरा टाइटली, यहाँ पे पूरा टाइटली रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, अब आते हैं कि फिंगर्स को कैसे प्लेस किया जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे, ये रिकमेंडेड टेक्निक है मैं अभी जो बताने वाला हूँ, ये इसको फॉलो कीजिए। बहुत सारा टाइप का फिंगरिंग टेक्निक्स होता है, प्लेसमेंट ऑफ फिंगर्स होता है, बट ये जो टेक्निक मैं अभी बताऊंगा, ये ब्लाइंडली इसको फॉलो कीजिए। इसको मतलब ये अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारा एडवांस टेक्निक्स होता है, गमक, कोमल स्वर, वो सब सब आपका इजी हो जाएगा, मतलब इजीली आप उसको प्ले कर पाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कि फिंगर को कैसे प्लेस किया जाए। अभी मैं अगर क्लोज आऊंगा तो ये तो ग्रिपिंग हो गया आपका। तो पहला ये फिंगर, पहला ये फिंगर पूरा यहां पे, ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है, ये लाइन पूरा इधर क्लोज होना चाहिए। ऐसे अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये पूरा, ये सेकेंड लाइन जो है, ये पूरा यहां पे ऐसा ग्रिप होना चाहिए। यहां पे नहीं, यहां पे नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, ऐसे ऐसे यहां पे भी नहीं, एक पूरा एकदम यहां पे, ठीक है, ये ठीक है। अब सेकेंड सेकेंड फिंगर जब लाएंगे, सेकेंड फिंगर को भी यहां इसका जो सेकेंड लाइन्स है, ये भी पूरा उसके यहां पे फिक्स होना चाहिए, पूरा पूरा ऐसा, अगर आप देख पा रहे हैं तो पूरा क्लोजली इसको कवर होना चाहिए, बेसिकली ऐसे ही इसको ग्रिप मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट दोनों फिंगर्स, ये पूरा परफेक्टली वैसे ही रहना चाहिए, ये फिंगर का ये पॉइंट, ये फिंगर का ये पॉइंट, सेकेंड सेकेंड लाइन्स जो है यही उसको क्लोज करना चाहिए। अब थर्ड फिंगर का क्या होगा, सी स्केल में, सी स्केल में ये जो फिंगर है इसका सेकेंड लाइन में नहीं रखना है, अराउंड यहां रखना है, फर्स्ट लाइन के जस्ट नीचे, अराउंड अराउंड वहीं रहता है वो। नेचुरली क्या होता है कि जब आप ये दोनों रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला सेट हो जाएगा, वो अपने आप सेट हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहां पे रखना है, मेरे को ऐसे रखना है या ऐसे रखना है। वो अगर आप ये दोनों फिंगर आपको आपका परफेक्ट हो गया, आपका ये दोनों फिंगर अगर ऐसे ही परफेक्टली ऐसा ऐसा जैसा दिखाया गया है यहाँ पे, आप अगर देख पा रहे हैं, तो अगर ये फिक हो गया तो ये आराम से यहाँ पे सेट हो जाएगा, आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, ये आराम से यहाँ पे सेट हो गया। तो ठीक है, और तो ये हो गया फर्स्ट थ्री फिंगर्स। तो इसको आराम से धीरे धीरे बजाइएगा और एग्जैक्टली वही पोजीशन में उसको, एग्जैक्टली वही पॉइंट जो फिंगर का एरिया है वहीं पे ही रखना है उसको आपको, पूरा एग्जैक्टली। तो ये फिंगर देखिए अराउंड ये एरिया में रह रहा है, समथिंग समथिंग अराउंड दिस एरिया, ये लाइन के नीचे अराउंड यहां पे, सेकेंड लाइन यहां पे नहीं रखना है, अराउंड ये एरिया पे वो रह जाएगा, ऑटोमेटिकली वो वहां पे सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये थंब का तो आपको मैंने जैसे बताया वो कर्व फैशन में ही रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट थ्री फिंगर्स का, इसको मतलब अराउंड 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 1000 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए पहले। एक एक स्वर को, एक एक नोट को आप पूरा एकदम एकदम स्लोली बजाइए, ठीक है। अब ये हो गया आपका फिंगरिंग, फिंगर प्लेसमेंट का वो जो एरिया है उसको पूरा ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट जो फिंगर है, फर्स्ट जो होल है उसका, ये पूरा एग्जैक्ट लाइन में ही वो कवर होना चाहिए, पूरा एग्जैक्टली यहां पे, अगर देख पाएंगे तो पूरा एग्जैक्टली, सेकेंड का भी एग्जैक्टली वही। तो ये हो गया फर्स्ट थ्री फिंगर्स, राइट। अभी लास्ट थ्री फिंगर्स अगर पकड़े तो ये थंब आपका जैसे मैंने बताया यहां पे रहना चाहिए, इसका भी अभी फोर्थ फिंगर पे अगर आएंगे, फोर्थ होल पे, तो ये भी अराउंड समवेयर ठीक है। इसका भी देखिए, इसका भी अगर आप देखेंगे तो समवेयर अराउंड मतलब यहां पे आ रहा है, ये लाइन के आसपास, ये दोनों जो लाइन है, फर्स्ट वाला लाइन लाइन नहीं, सेकंड लाइन जो है इसके समथिंग क्लोजर, ये देखिए ये बेंट फैशन में है, ऐसा करके थोड़ा घुसा हुआ है ये लाइन के जगह पे, तो उस लाइन में ही ऑलमोस्ट रखना है,
ऐसे एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। अब फिफ्थ में आएंगे, फिफ्थ में भी नेचुरली वो यहां पे रहना रहना चाहिए। थोड़ा ऊपर रहेगा फिफ्थ में, जो दोनों लाइन है उसके जस्ट थोड़े ऊपर, यहां पे अराउंड इस एरिया में, इस एरिया में वो रहेगा, तो वो नेचुरली हो जाएगा, उसको आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लास्ट वाला जो फिंगर है वो उसके लाइन के जस्ट अराउंड इस एरिया में रहेगा, ये थर्ड फिंगर। तो आपका ये तीन फिंगर और ये तीन फिंगर्स, ये पूरा इसको पूरा ये रहेगा, मतलब प्लेसमेंट रहेगा वैसा। तो बेसिकली आपका जो फिंगर का पोजिशन और उसका जो स्ट्रक्चर, वो कुछ ऐसा होगा कि वो जो आपका सांप, सांप का जो फन होता है ऐसा, कर्व्ड कर्व्ड फैशन में ऐसे ऐसे रहना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो देखिए ये कैसा है, ऐसा ऐसा। और ये लगभग एवरी फ्लूट का वैसा है, बिग फ्लूट्स, जी स्केल फ्लूट या ई स्केल फ्लूट हो, कोई भी फ्लूट हो, तो उसमें वैसे ही होता है। उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो मैं अगले ट्यूटोरियल्स में कभी बताऊंगा आपको, बट दिस इज द वे, ये यही रिकमेंडेड टेक्निक है। तो आपको पूरा एग्जैक्टली वही पॉइंट्स में ही रखना है। अगर आपका फिंगर थोड़ा इधर उधर बड़ा या छोटा है तो थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं उसको, थोड़ा मतलब आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको थोड़ा उसको मूव कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट पोजिशन ये जो पूरा ये जो कर्व्ड है ये फैशन होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फ्लोटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट वे में पकड़ते हैं, लेकिन मैं अभी आपको रिकमेंडेड जो टेक्निक है, जो बेस्ट टेक्निक है, वो मैं बता रहा हूं और जो मैं भी फॉलो कर रहा हूं। देखिए पूरा परफेक्टली परफेक्टली। और सबसे और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी कि उसका ग्रिपिंग, आपका ग्रिपिंग पूरा होना चाहिए होल्ड। तो ग्रिपिंग कैसे आएगा, जैसे मैंने बताया कि ये थंब और ये पिंकी फिंगर्स का यूज करना है पूरा, और पूरा जब आप प्लेस कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से उसको ग्रिप करके प्लेस कीजिए फिंगर्स को। ग्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिपिंग अगर सही नहीं होगा तो फ्लूट शेक करेगा और गिरने का भी चांसेस है। तो जैसे बताया जा रहा है ब्लाइंडली उसको फॉलो कीजिए, जैसे यहाँ पे फिंगर्स रखना है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे जब तीव्र मां बज रहा है तो पूरा सारे फिंगर्स ओपन है, लेकिन ये सब उसको होल्ड किए हुए है, ये पिंकी फिंगर और ये थंब का नीचे वाला। तो ये थोड़ा ये आपको धीरे धीरे आएगा, वो धीरे धीरे आपके, जब आप बिगिनर अगर हैं तो वो धीरे धीरे आप उसको होल्ड करना जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही उसको फॉलो कीजिए, और वो धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मेरा फिंगर्स सेट हो रहा है, मतलब मेरा फिंगर्स जो सेट हो रहा है, तो आपको आवाज़ भी आना चालू हो जाएगा। एग्जैक्टली वही पॉइंट में लगना है, और एक एक करके एक एक स्वर परफेक्ट कीजिए। वो फिंगर का एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो वैसा नहीं रुआ तो फिर गलतियां होंगी। तो इसमें देखिए कितने इजीली बहुत सारे टेक्निक्स बच जाते हैं, जैसे कि गमक हो गया, फिर अब कोमल स्वर पकड़ेंगे तो कोमल स्वर हो गया, गमक अगर पकड़ेंगे तो ठीक है। तो ये ग्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिकमेंडेड टेक्निक है, और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पूरा ग्रिपिंग परफेक्ट हो जाएगा। बड़ी फ्लूट जो होती है जी स्केल और ई स्केल,
तो अगर जी स्केल आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सी स्केल के लिए, ऐसा नहीं है कि सी स्केल के लिए है ये ग्रिपिंग, आप डी स्केल में भी यूज कर सकते हैं, ए शार्प तक, ऑलमोस्ट ए शार्प तक तो जा ही सकते हैं, ए शार्प स्केल तक ऐसा वाला ग्रिपिंग में ही जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको परफेक्ट बनाना है, वो अगर आप परफेक्ट बनाएंगे तो ही मतलब आपका आगे का जो फ्लूट लर्निंग है वो इजी हो जाएगा। और पहले से ही अगर गलती कर रहे हैं, पहले से अगर आपको गलत वे में पकड़ रहे हैं, तो क्या होगा कि उसको सुधारने में आपको 1.5 साल 2 साल तो लग ही जाएगा, जैसे मैंने बोला। तो पहले से ही आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप ध्यान दीजिए और इस जैसे मैंने बताया वैसे ही एग्जैक्टली उसको फॉलो करके वैसे ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा, सो दैट मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको वहाँ पे आपके क्वेश्चंस या कुछ भी डाउट्स हैं तो उसके मैं श्योर उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर देने का श्योर ट्राई करूंगा। तो फिर से धन्यवाद और मिलते हैं एक अगले वीडियो पे।